हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कैनन्स ऑफ बजटिंग। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने टैक्सेशन की इलास्टिसिटी देखी थी, उससे पहले अपने क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग इन इफेक्ट देखा था, टैक्स बायोन्सी देखी थी, ये सारी चीज़ें अपन ने कवर करी थी। अगर आपने वो वाली वीडियोज नहीं देखी हो तो आप पाई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको वो वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यू जिसनेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पर क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। वीडियोज़ हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और चैनल पे बहुत सारे जने वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, लगभग 95% ऐसे जने हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। स्टार्ट करते हैं अपन कैनन्स ऑफ बजटिंग से। कैनन्स मतलब, कैनन्स यानी अपन एक तरह से मानते हैं प्रिंसिपल्स यानी मतलब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसका अपन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, कैनन्स ऑफ बजटिंग ऐसे इतने फेमस नहीं है, मतलब इतने बोलने में नहीं आते। कैनन्स ऑफ बजटिंग को अपन रिलेट कर सकते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैनन्स से, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के कैनन्स भी मैक्सिमम जगह बजटिंग के लिए यूज़ हो जाते हैं, बट मैं आपको कैनन्स ऑफ बजटिंग ऐसे बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट और प्रिंसिपल्स हो सकते हैं वो भी अपन देख सकते हैं। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट मेनली थोड़े बहुत समझने हैं तो आप पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले कैनन्स भी आप देख सकते हो, और उसके बाद आप इसको भी देख लोगे तो आपके और इजीली समझ में आ जाएंगे और एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएंगे कि कौन से कैनन्स ऑफ बजटिंग एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं बजटिंग क्या होता है, कैनन्स ऑफ बजटिंग क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोई प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब कभी भी अपन को बजट बनाते टाइम इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर अपन इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मतलब अपन जब भी बजट बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत परफेक्ट बनेगा, उसमें कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, कोई भी एरर्स वगैरह आने के चांसेस नहीं होंगे। तो बजटिंग क्या है, बजटिंग एक टेक्निक है टू अचीव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर को इस तरह से मेंटेन करना ताकि आपको क्या मिल सके, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मिल सके, मतलब जो भी ऑफिसेज है इकोनॉमी में, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या कर सके, बहुत अच्छे से काम कर सके, अच्छे से वर्क कर सके। तो मतलब क्या हो, पब्लिक एक्सपेंडिचर का और पब्लिक रेवेन्यू का इस तरह से तालमेल बने, इस तरह से सारी चीज़ें हो ताकि सारी चीज़ें क्या कर सके, बहुत अच्छी एफिशिएंसी से काम कर सके। तो वही क्या है एज अ कैनन ऑफ बजटिंग, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बजटिंग ये होती है कि टेक्निक अपन इसको कहते हैं। तो प्रोफेसर हैरिट डी स्मिथ ने क्या किया था, सेट आउट किया था सर्टेन कैनन्स ऑफ रूल्स, जिसको अपन रूल्स भी बोल सकते हैं, विच आर कॉल्ड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग। मतलब एक कुछ रूल्स निकाले थे हैरिट डी स्मिथ ने कि ये चीज़ें अगर बजट में फॉलो होगी तो वो क्या होगा, बहुत अच्छा बजट होगा। तो ये चीज़ अपनी है, तो इन्होंने निकाले थे, किसने निकाले थे, प्रोफेसर हैरिट डी स्मिथ ने ये बैलेंस ऑफ बजट एक तरह से निकाले थे। तो अब अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर अपन क्या देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामिंग, मतलब जो भी सोशल प्रोग्राम है, इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम्स है, वो सब क्या हो, गवर्नमेंट के इन बजट में इंक्लूड हो, ठीक है। अब इंक्लूड हो रहे हैं और क्या हो, एग्जीक्यूट हो, ऐसे नहीं हो कि अपन ने कोई भी बात बनाई, कोई प्रोग्राम बनाया कि जैसे एक्स वाई जेड मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, ये प्रोग्राम बनाया कि यार ये जब लागू होगा तो बहुत अच्छा होगा, और अगर मान लो ये लागू हो भी गया बट अभी इस पे फोकस नहीं दिया जा रहा है, तो मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई भी प्रोग्राम बनाया, वो सारी चीज़ें, वो प्रोग्राम सब अपने बजट के अंदर इंक्लूड होना चाहिए ताकि उस पर क्या कर सके, एक्शन ले सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके, और अच्छा बनाना है तो अच्छा बना सके, कैसा भी करना है तो वो एक्शन उस पर लिया जा सके। फिर अपन बात करते हैं एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव शुड इंश्योर दैट डिपार्टमेंटल प्रोग्राम प्लान्ड आर कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द डिजायर्ड एंड इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला, मतलब बजट एलोकेट करने वाला, उसको अपन एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल सकते हैं, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं। तो उसको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट पे जो प्लान बन रहा है तो वो डिपार्टमेंट उतना कैपेबल है कि उस प्लान को लागू करने के लिए उसके पास कैपेबिलिटीज उतनी है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, उसको आप काम दे रहे हो कि आपको ये हंड्रेड कॉपीज़ बनानी है, अब वो उसके कैपेबल ही नहीं है, और कोई दूसरा पर्सन है सेकेंड पर्सन जो आराम से 100 कॉपीज़ बना लेगा, तो
उसकी तो कैपेबिलिटीज़ है, बी पर्सन की कैपेबिलिटीज़ तो होगी, बट ये ए पर्सन की कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं है। तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर प्रोग्राम बना रहा है तो उस डिपार्टमेंट की इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि मतलब वो उस प्रोग्राम को अच्छे से फुलफिल कर सकता है, उसके हिसाब से काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग में क्या आता है? ऑल बजटरी स्टेप्स लाइक प्रिपरेशन, इनएक्टमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर मोबिलाइजेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑथेंटिक डाटा। अब क्या कहते हैं, जैसे कोई भी प्लान का एग्जीक्यूशन हो रहा हो, प्रिपरेशन हो रहा हो और ये सारी चीज़ें जब हो रही हो, मतलब कोई भी प्लान बनाया जा रहा हो, तो वो किस पे हो? ऑथेंटिक डाटा पे बेस हो। और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मोबिलाइजेशन हो रहा है, रेवेन्यू को मोबिलाइजेशन हो रहा है, मतलब कहाँ से लिया जा रहा है, कहाँ से नहीं लिया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हो? एक ऑथेंटिक डाटा पे बेस हो। तो यानी रिपोर्टिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ऑथेंटिक डाटा आना चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन की। डिटेल्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट शुड बी बजट डॉक्यूमेंटेड, बजट शुड बी ट्रांसपेरेंट। अब क्या होना चाहिए कि हर एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स यानी उस पर कितना पैसा लगाया जा रहा है, कितना उससे रिटर्न मिल रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, वो प्रोग्राम कैसा चल रहा है, उन सब की डिटेल मेंटेन की जानी चाहिए एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो उसको क्या हो, एक डायरेक्शन बनाई जा सके, उसके अंदर एक रिपोर्ट मेंटेन की जा सके, जिसके अंदर उसके सारी चीज़ें, फ़ायदे नुकसान, कैसा मिल रहा है कैसा नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मेंटेन हो और वो चीज़ क्या हो, सारी ट्रांसपेरेंट हो, यानी हर एक जन को पता लग सके, हर एक जना उसको देख सके। तो मतलब इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन बजटिंग, बजट क्या हो, फ्लेक्सिबल हो, मतलब अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, उस हिसाब से बजट क्या हो, फ्लेक्सिबल हो सके, यानी बढ़ाया या कम किया जा सके। ठीक है। फिर एडिक्वेट टूल्स, मतलब जितने टूल्स रिक्वायरमेंट होते हैं किसी भी बजट को अच्छा बनाने के लिए, वो टूल्स होने चाहिए। जैसे अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले, अच्छे से जगह एक्सपेंडिचर करने वाले, अच्छी चीज़ें यूज़ करने वाले, अच्छे प्रोग्राम्स बनाने, ये सारे टूल्स क्या हो, एक तरह से अवेलेबल हो। अब एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, अब हर एक डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, एक्टिव कोऑपरेशन करना चाहिए। एक्टिव कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए, कि मतलब अगर एक कोई काम कर रहा है तो दूसरा उसके हिसाब से कैसे कर सके, दूसरा उसको कैसे हेल्प कर सके, वो ऐसा कोऑपरेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा ही नहीं हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर वाला इतना ध्यान नहीं दे रहा, बस रेवेन्यू वाला ध्यान दे रहा है। मतलब वो उसको पता तो चल रहा है, वो अच्छी तरह से टैक्स कलेक्ट कर रहा है, सारी चीज़ें रेवेन्यू मिल रहा है, गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, बट क्या हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर करने वाला डिपार्टमेंट है वो यूं ही एक्सपेंडिचर कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अच्छे से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से खर्च करना जाना चाहिए। तो मतलब इन सारे डिपार्टमेंट में कैसे खर्च हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इन सारे डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए, कि दोनों काम अच्छे से करें और सारी चीज़ें अच्छे से हो। ठीक है। तो यही होते हैं कुछ कैनन्स ऑफ बजटिंग अपन कह सकते हैं, और पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो कैनन्स हैं वो भी आप बजटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।